कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आप देखो मोटो जितने टाइम में एक स्मार्टफोन लॉन्च करता है, रियलमी रेडमी वाले की 2-3 सीरीज आ चुकी होती है उतने टाइम में। लास्ट वाला कौन सा लॉन्च हुआ था उनका, मोटो G5G, उसके बाद से तो कोई इंडिया में, अच्छा वो छोटे वाले आते रहते हैं, वो 10,000 के आसपास के बजट वाले जो हैं। अगले दो फोन्स आने वाले हैं, मोटो G40 और G60, एंड लोगों को लगा था कि G60 जो होगा वो बाहर जो G50 लॉन्च हुआ है उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, बट ऐसा नहीं है, वो 5G है। ये दोनों 4G होने वाले हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ चीज़ें बुरी हैं। उनके स्पेसिफिकेशन के कितने लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको मुकुल शर्मा जी की तरफ से मिल जाएंगे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं। एंड प्राइजिंग भी एक्सपेक्टेड पता ही चल गया है कितना हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्राइजिंग होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। ये लॉन्च होने वाला है जल्दी, क्योंकि मोटो टीजर डालना चालू कर चुका है ट्विटर पे एंड सब जगह पे, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस महीने के अंत होने से पहले आपको ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, दोनों दिख जाएं, G40 एंड G60। टीजर्स तो मैं साइड में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में, क्या पता चला है। सबसे पहले डिस्प्ले और डिजाइन पे जाएंगे, तो अभी तक डिस्प्ले का साइज नहीं पता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि दोनों स्मार्टफोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले मिलने वाले हैं, Full HD+ के, लेकिन IPS के होंगे, ये याद रखना। IPS का पैनल मिलेगा इसमें, प्रोटेक्शन कौन सा होगा अभी तक मेंशन नहीं है, लेकिन रियर साइड पे आपको पॉलीकार्बोनेट मिलेगा, ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, एंड पंच होल के साथ आएंगे, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे। अब अच्छी चीज है अगर आपको 15,000 से 20,000 के बीच में अगर 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एंड HDR10 का सपोर्ट भी आने वाला है इसमें, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से सुपर एमोलेड फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है, अदरवाइज डिसेंट है मैं कहूंगा, बाकी सारी चीजें अगर आप देख रहे हो तो डिसेंट है उस प्राइस के हिसाब से। अब बात करते हैं चिपसेट की, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चिपसेट कौन सा आने वाला है। दोनों स्मार्टफोन में कहा जा रहा है 732G का चिपसेट होगा, अब आगे क्या होगा वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो लीक्स इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, इवन मुकुल शर्मा ने कहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट आने वाला है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 8 NM पे बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, 3 लाख के आसपास इसका स्कोर आता है अगर आप अंतुदु स्कोर की बात करो तो, एंड एड्रीनो 618 के साथ आता है, तो गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर लोगे, प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगा, एंड अच्छा है, मतलब बजट रेंज के हिसाब से कहोगे तो अच्छा चिपसेट है, एंड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स जो है उसमें आता है तो डिसेंट है। एंड्रॉयड 11 के ऊपर आने वाला है, अच्छी चीज़ है, जो कि स्टॉक के साथ आएगा तो क्लीन रहेगा, तो ब्लोटवेयर का इशू आपको रहेगा नहीं इसमें, वो भी अच्छी चीज़ है, चलिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी परफॉर्मेंस के सेगमेंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं जो इस प्राइस पे आप एक्सपेक्ट करती हैं दोस्तों। अब दो फोन्स हैं एंड दोनों अलग अलग हैं, तो अभी तक तो स्पेसिफिकेशन जो बताया सारे सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पे होगा, डिफरेंस होगा कैमरा सेगमेंट में। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो आपको जो मोटर लगा G60 है उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है प्राइमरी वाला, जबकि उसके बदले कहा जा रहा है 64 मेगापिक्सल का G40 में होगा। उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक डेप्थ सेंसर भी आने वाला है, लेकिन प्राइमरी सेंसर जो है दोनों में वो अलग होने वाले हैं। फ्रंट कैमरा में आओगे तो वहां पे 16 मेगापिक्सल दोनों में पॉसिबली मिल सकता है, उसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। रियर साइड से 4K कर पाओगे, फ्रंट वाइड साइड से आप 1080 वाले रिजोल्यूशन कर पाओगे, बुके पैनोरामा HDR सब मिल जाएगा, रियर साइड पे फ्लैश भी दिया हुआ है, अच्छी चीज है, तो सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इसमें आपको G60 में रियर पे 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, जबकि 64 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा G40 में। अब आते हैं बैटरी में, बड़ी बैटरी आने वाली है दोनों में, 6000mAh की, 6000mAh की बैटरी आने वाली है, फास्ट चार्जर कहा गया है, 30W का लीक जो बता रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीक जो बता रहे हैं उसे कहा जा रहा है कि 30W तक का चार्जर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज है कि बड़ी बैटरी आपको 6000mAh की आने वाली है। इसके साथ आपको टाइप सी का पोर्ट रहेगा, इन स्टॉक एंड्रॉइड है, 732G का चिपसेट है, परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, बैटरी का भी आपको आराम से 1-1.5 दिन तो निकल ही जाएगा, उससे कम तो नहीं चलना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं सेंसर्स की, सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, सारी चीजें मिल जाएंगी, वो वहां पे कोई इशू नहीं है। 3.5mm जैक रहेगा, अच्छी बात है। इसके अलावा जितने भी बेसिक सेंसर्स होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, सेंसर्स में कोई इशू नहीं आएगा। स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट आने वाला है, लीक्स बता रहे हैं डेडिकेटेड स्लॉट आएगा, वेरिएंट कौन से आएंगे अभी तक नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है प्राइसिंग जो होगी दोनों की वो 15,000 से 20,000 के बीच में होने वाली है। वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आने वाला है, किस प्राइस पे आने वाला है। अभी लीक्स एंड इन्फॉर्मेशन जो चीजें बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि इनका प्राइस जो होगा 15,000 से 20,000 के बीच में होगा, और अभी तक इन्फॉर्मेशन इतने ही इसके मिले हुए हैं। लेट्स सी, पॉसिबली आपको अप्रैल एंड होने से पहले ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि टीजर आने स्टार्ट हो गए हैं,
वेट कर लेते हैं आप लोग या नहीं, अगर इस स्पेसिफिकेशन के साथ 15,000 से 20,000 के बीच में अगर मोटो के फोन आते हैं तो आप लोग नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कैसा लगा वीडियो, जरूर बता देना। पसंद आया लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो बैक टाइम पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो बैक टाइम पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।